ठीक है इसके अंदर परचेजिंग और सेलिंग के ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं फॉर्मेट देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का तो आई होप ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है ऊपर आपको लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च यानी कि जब भी आपके अकाउंट क्लोज होते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन मैं थर्टी फर्स्ट दिसंबर थर्टी फर्स्ट मार्च इस तरह से ये अमाउंट हमारा डेबिट होता है ये अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक परचेज परचेस रिटर्न वेजेस कैरेज इनवॉर्ड फ्रेट इनवॉर्ड ये क्या होता है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्योंकि देखिए वेजेस जो है डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से कंसर्न है कैरेज इनवॉर्ड हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है फ्रेट इनवॉर्ड कार्टेज ये सब हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है सेल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक यानी कि

आई थिंक यहाँ पर पी एंडल का फॉर्मेट नहीं है देखिए पी एंडल का फॉर्मेट सेम इसी तरह होता है मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ अब ये यह हमने यहाँ पे क्या हुआ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अब यहाँ पर इसी के नीचे लाइन को बड़ा करके मतलब इसी में ही अलग से नहीं यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है और ये जो जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी क्योंकि सैलरी क्या है प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो यहाँ पे टू सैलरी आ जाएगा टू वेजेस आउटवर्ड आ जाएगा आउटवर्ड मतलब उसको बाद में आप माल कहीं भी भेजेंगे तो वो आपका आउटवर्ड में होता है तो वो यानी कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज इधर सारे इनडायरेक्ट इनकम्स इधर आएंगी तो ये हमारा ट्रेडिंग होता है ये पी एंडल होता है यहाँ पे पी एंडल नहीं लिखा जाता पी एंडल यही लिख दिया जाता है ट्रेडिंग एंड पी एंडल करके ट्रेडिंग एंड पी एंडल अकाउंट ठीक है तो ये फॉर्मेट था अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पर अब बैलेंस शीट इज वन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एंटरप्राइजेस एट अ गिवन डेट यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर

ट्रेडिंग और पेंडल बनाते समय क्लोज नहीं किया गया था उन अकाउंट्स को यहाँ पर शो किया जाता है ट्रायल बैलेंस के बनाने में जो ओपन किए गए थे उनको यहाँ पर शो किया जाता है उनके बैलेंसेस को शो किया जाता है इसको इसलिए बैलेंस शीट कहा जाता है क्योंकि ये उन सब अकाउंट्स की बैलेंसेस को शो करती है अब एक यहाँ पे ऑथर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं जिसके बेसिस पर हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है अब बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर विद्यू टू मेजर दाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अजनेस ऑन सर्टेन फिक्सड रेट यानी कि एक बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो की हमारी मेजर करता है फाइनेंशियल पोजिशन को एक सर्टेन फिक्स रेट पर यानी कि एक साल के अंदर अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो एक साल होता है तो एक साल में हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता देती है हमारी कंपनी की कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है वो कितना ग्रोथ कर रही है कितना आगे जाके और ग्रोथ करेगी कितना हमें प्रॉफिट दे रही है कितना उसका मार्केट वैल्यू हो रहा है ये सारी चीजें हमारी बैलेंस शीट हमें बताती है ठीक है अब देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये लाइबिलिटीज हैं हमारी ये असेट्स हैं याद रखिए है, अब तक के हमने जितने अकाउंट बनाए थे उसमें हम क्या यूज करते थे टू और बाय यूज करते थे लेकिन बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट है सॉरी एक ऐसी स्टेटमेंट है बैलेंस शीट अकाउंट है, नहीं है स्टेटमेंट है बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर टू और बाय को इंक्लूड नहीं किया जाता है इसमें डायरेक्ट वो एंट्रीज कर दी जाती हैं जैसे गुडविल पेटेंट्स कॉपी राइट ट्रेड मार्क्स बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक यहाँ आ जाते हैं हमारे कैपिटल रिजर्व लोन एंड मॉर्गेज बैंक लोन इनकम रिसीव इन एडवांस आउटस्टैंडिंग बिल्स क्रेडिटर्स डेटर्स हमारे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बैलेंसेस को इंक्लूड कर दिया जाता है और जो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा बाद में उसको क्या कर देंगे वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ठीक है तो ये थे हमारी बैलेंस uh, शीट इसके आगे देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर चार्ज टू यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं कहां पर असेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नॉट चार्ज टू बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट में चार्ज नहीं किए जाते हैं या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज लाइब्रेटी साइड चार्ज किए जाते हैं क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है जो कि कंपनी को देनी है ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन यह, में यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है जो कि पहले वो नहीं पे कर पाया था इस टाइम उसने पे करी है ठीक है तो ये लाइब्रेटी साइड आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेटीज इन बैलेंस बैलेंस शीट शीट इंक्लूड फॉलोइंग आइटम्स यानी कि के जो में जो लाइब्रेटीज होती है उसमें क्या क्या आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन ओनर्स फंड ऑल ऑफ दीज तो फ्रेंड्स ये सारे ही आइटम्स जो होते हैं वो लाइब्रेटी साइड में शो किए जाते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट right आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीस बहुत ही सिंपल आंसर था ये क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं प्रिपेड एक्सपेंसिस जो प्रिपेड एक्सपेंसेज होते हैं वो किस तरह ट्रीट किए जाते हैं करंट असेट्स करेंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स प्रिपेड एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसिस होते हैं जो कि हमने अभी एडवांस uh, में पे कर दिए हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये हमारी एज अ करेंट लाइबिलिटी होती है क्योंकि ये सिर्फ कुछ टाइम की होती है ये हम लॉन्ग टर्म तक इसको नहीं रख सकते ठीक है तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट असर्टेन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है उसका एम होता है क्या असर्टेन करना प्रोडक्ट की कॉस्ट नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर सेलिंग प्राइस तो फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम होता है वो होता है कॉस्ट को असर्टेन करना कि किसी प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्टिंग टू यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है वो रिपोर्ट करना है किसको मैनेजमेंट ओनली यानी मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ओनली यानी गवर्नमेंट को इन्वेस्टर ओनली यानी इन्वेस्टर को या फिर ऑल ऑफ दीज तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट right आंसर है कि फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पज है किसको रिपोर्ट करना है तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिर्फ मैनेजमेंट ओनली गवर्नमेंट ओनली या फिर इन्वेस्टर नहीं कह सकते इसका काम होता है इन सभी पार्टी को रिपोर्ट करना तो यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ यानी कि अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते उसका क्या पर्पज है अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है कॉन्टीन्यूटी कॉन्सेप्ट पर है या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है तो फ्रेंड्स इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिससे बताया जाता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी में मेजर किए जाते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि मनी में मेजर नहीं किए जाते हैं वो इसके अंदर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रपोज डिविडेंड इज शोन इन दी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर दी हेड यानी कि वो प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो बैलेंस शीट के किस हेड में शो किया जाता है प्रोविजन में रिजर्व एंड सरप्लस में करेंट लाइबिलिटीज में या फिर अदर लाइबिलिटीज में तो फ्रेंड्स प्रपोज डिविडेंड फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है प्रपोज कर रहे हैं किसी डिविडेंड को तो यानी क्या है ये फ्यूचर के लिए तो यहाँ पे क्या प्रोविजन में आएगा ये क्योंकि यहाँ पे आपने एक प्रोविजन बना के रखा है प्रपोज डिविडेंट का जो कि आपको फ्यूचर में पेड करना है तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिक्स असेट्स एंड करंट करंट्स आर कैटेगराइज एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ यानी कि जो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स है वो हमारे किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की जाती है सेपरेट एंटिटी को कंसिस्टेंसी या फिर टाइम पीरियड तो फ्रेंड्स फिक्स असेट्स जो है जो हमारी करंट असेट्स में कैटेगराइज की जाती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट right आंसर है वो है टाइम पीरियड क्योंकि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं करंट सेट्स वो सेट्स होती हैं जो हम लिक्विडेट कर सकते हैं हम वन uh, ईयर के अंदर जबकि फिक्स सेट्स वो सेट होती हैं जो कि हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा कंसिस्टेंसी यहाँ नहीं होगी गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यू uh, चलेगा और सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और जो ओनर है दोनों की सेपरेट एंटिटी है तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं राइट आंसर

एंटीटी कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग हैं। बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस के लिए एज अ क्रेडिटर शो किया जाएगा यानी कि वो जो भी वहाँ पे लगा रहा है कंपनी में वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो सारा हिसाब किताब दे ठीक है तो यहाँ पे प्रोपराइटर एज अ क्रेडिटर की तरह यूज किया जाता है इसीलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी ओनर अपने बिजनेस से कोई भी आ, प, आ, सामान निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो हम एज अ ड्राइंग शो करते हैं और उसको उसको पेड आउट करना होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट है प्रॉफिट डज नॉट ऑल्टर कैपिटल यानी कि प्रॉफिट जो है कैपिटल को ऑल्टर या फिर चेंज नहीं करता है कैपिटल कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट यानी कि कैपिटल सिर्फ आ, हमारी उससे आती है प्रॉफिट से प्रॉफिट प्रॉफिट रिड्यूसेस कैपिटल यानी कि जो है हमारा वो हमारा रिड्यूस करता है कैपिटल को या फिर प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल प्रॉफिट हमारा इंक्रीज करता है कैपिटल को तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट right आंसर है वो है ऑप्शन हमारा डी प्रॉफिट जो है हमारा ये हमारा इंक्रीज करता है हमारी इसको प्रॉफिट को कैपिटल को इंक्रीज करता है सॉरी प्रॉफिट ही हमारा यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज करेगा क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा आपने देखा होगा जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं और अगर हमारा नेट लॉस होता है वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल को इंक्रीज करता है ना कि प्रॉफिट कभी रिड्यूस करेगा हाँ लॉस रिड्यूस करेगा कैपिटल को तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

स्पेशल अकाउंट नहीं है ये एक स्टेटमेंट होता है और ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता फाइनेंशियल पोजीशन हमारा फाइनल अकाउंट बताता है और ये बुक्स की एंट्रीज भी नहीं दिखाता क्योंकि ये कोई लेजर या फिर जर्नल जर्नल अकाउंट नहीं है ट्रायल बैलेंस एक हमारी लिस्ट है जो की बुक का बैलेंस को दिखाती है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा वन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन यानी कि जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कैलकुलेट किया जाता है किस में ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रायल बैलेंस है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग नेट प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस यानी कि जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह के बिजनेस में अप्लाई किया जाता है सोल सोल्पराइटर कॉरपोरेशन पार्टनरशिप या फिर ऑल ऑफ देम तो फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी में यूज किया जाता है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है सोल सोल्पराइटर में भी कॉरपोरेशन में भी एंड पार्टनरशिप में भी

होगा हमारा अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है जिस ईयर में इकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंटरेस्ट रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आर टाइप्स ऑफ अकाउंट ये किस तरह के अकाउंट है पर्सनल अकाउंट इंटरपर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल की ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट है ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑफ फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा सेल नहीं है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफिशियल फिक्चर्स सोल्ड सेल्स ऑफ आइटम प्रीवियसली इंक्लूडेड इन परचेज या फिर गुड सोल्ड फॉर कैश तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन बी किसी भी ऑफिस के फिक्चर्स को सोल्ड करना आप का सेल के अंदर पार्ट नहीं है क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है वो आपने जो सेल किया है क्यों, और वो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा सेल उसे बोलते हैं जो डेली बेसिस पे होती है यहाँ पे आपने क्रेडिट पे सेल किया है तो फ्रेंड्स क्रेडिट पे जो सेल किया है वो भी सेल के अंदर कंसिडर किया जाएगा इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये क्रेडिट है ये कैश है तो ऑप्शन वन हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है कोई परचेज जो प्रीवियस ईयर में आपने की थी इस साल आपने बेचा है ये भी आपका सेल में ही कंसीडर होता है और जो गुड सोल्ड फॉर कैश है ये भी आपका कंसीडर होता है तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल कॉन्सेप्ट टेल अबाउट यानी कि जो मटीरियल कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है डिस्कलोजर ऑफ लॉस यानी लॉस को डिस्कलोज करता है डिस्कलोजर ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट को डिस्क्लोज करता है या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर यानी कि वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स मटेरियल कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें बताता है इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट है मटेरियल कॉन्सेप्ट है वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जर्नली बेस्ड ऑन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे जर्नली किस पे बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी सब्जेक्टिविटी कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे ये हमारी सब्जेक्टिविटी कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रैक्टिकेबिलिटी जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे चीजें चल रही होती हैं उस पर बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यानी कि जो हमारे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है डुअल आस्पेक्ट पे वो क्या कहे जाते हैं डबल अकाउंट सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम या नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा नन ऑफ दीज भी नहीं होगा अब यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ये भी आंसर इसका सिंपल है बहुत आप शुरू से इन्हें पढ़ते आ रहे हैं कि जो डुअल एस्पेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होते हैं तो राइट right आंसर है हमारा यहाँ पे बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ अट्स इज एग्जाम्पल फॉर यानी कि कोई भी प्रॉफिट जो किसी एसेट्स की सेल से हमें मिला है वो किसका एग्जाम्पल है रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट लॉस या नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है हमारा कैपिटल प्रॉफिट का क्योंकि किसी भी एसेट्स को सेल करने से हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो हमारे कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और ये लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो भी है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ तब तक के लिए बाय बाय